इस दिन धरती पर उतरेंगे 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान विष्णु का कल की अवतार आइए विस्तार से जानते हैं फिर क्या होगा कल की अवतार में कब होगा भगवान विष्णु का अवतरण भागवत पुराण के वन टू स्कंध के टू फोर श्लोक के अनुसार जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्की का जन्म होगा कल्की का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल की जयंती के रूप में मनाया जाता है श्रीमद भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल की अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे कल की अवतार का समय दिन और स्थान आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ थर्टी वन और टू से हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा लिया तब कलयुग शुरू हो चुका था कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास फोर लाख थर्टी टू हजार वर्षो का होगा यानी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड टू प्लस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इक्वल फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और चार लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौहत्तर वर्ष अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग के अंत में कलकी अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा पुराणों में भगवान विष्णु के दसवें और आखिरी कलकी अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान कलकी सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे वहीं कलकी पुराण के अनुसार भगवान कलकी का जन्म संभल गांव में होगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है उनके पिता का नाम विष्णु यशोर माता का नाम सुमति होगा राम जी की तरह भगवान कलकी के भी चार भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे भगवान कलकी के दो विवाह होंगे उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा प्रिय भक्तों आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को दिल से लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय कलकी भगवान जय श्री हरि विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा भगवान का कल की अवतार 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा आइए जानते हैं अग्निपुराण में भगवान कल की अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है इसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं कल की अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैस जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान कल अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल की देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और पुनः धर्म का पताका लहराएंगे इस तरह से कलकी के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा दोस्तों कल जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल की अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा इसलिए इसी दिन कल की जयंती मनाई जाती है कल की जयंती विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए खास पर्व होता है इस दिन भगवान विष्णु के कल की अवतार की पूजा की जाती है कल की भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म के पहले से ही की जा रही है भगवान कलकी की पूजा विधि आइए जानते हैं कल की जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान भी करें और फिर व्रत का संकल्प लें अब भगवान विष्णु के कल की अवतार की मूर्ति या फोटो में गंगाजल छिड़के और वस्त्र पहनाएं। लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान कलकी को स्थापित करें इसके बाद धूप दीप नैवेद्य फूल आदि अर्पित कर पूजा करें ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके धन्यवाद